रात्रान्नाः पुंसि रात्रान्नाः पुंसि रात्रान्नाः प्रथमा का बहुवचन पुंसि सप्तमे का एकवचन एतदन्तो द्वंद्वतत्प्रशो पुंसि एव रात्रि शब्दांत आम शब्दांत जो द्वंद्व तत्पुरुष है उनका पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है। रात्र करके प्रयोग हुआ मैंने ये समासान प्रत्युक्त रात्र अन्न और अह अनंतरत्वात् परवलिंगत्ता अपवादोऽप्ययम् परत्वात् समाहार नपुंसकताम् बाधते। यदि अव्यवहित है अनंतर से विदर्भा प्रषेधवा होना चाहिए उसके आधार पर केवल परवलिंगता का अपवाद करना चाहिए फिर भी पर होने के कारण से भी समाहार नपुंसकता को भी बाध देता है। ये एव कह दिया परवलिंगता को भी बाध दिया और नपुंसकता को भी बाध दिया उसे पूर्व था वो ये पर सूत्र है अव्यवहित में तो परवलिंग हो गया उसे पूर्व था इन्हें पर होने के नाते उसको भी बाध देगा उसी आशय को मन में रख करके एव पुंसी एव मन स्त्री परवलिंगता जो स्त्रीलिंग प्राप्त होता है वो न हो और न कुशल भी न हो। रात्र रात्रे पूर्व भाग इति पूर्व रात्र पूर्वान्न द्वह यहाँ तक सब दृष्टांत है। संख्यापुरम रात्रम क्लीबम संख्यापुरम रात्रम क्लीबम संख्यापुरम रात्रम क्लीबम ये वार्तिक नहीं है ये लिंगानुशासन का सूत्र है। द्विरात्रम त्रिरात्रम गणरात्रम इत्यादि संख्यापूर्वक समास है रात्रि शब्दांत टजंत टच होकर के द्विरात्र त्रिरात्र गणरात्र बन गया और नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है। प्राप्त इस सूत्र के द्वारा पुल्लिंग था उस सूत्र को बात लिंग लिंगानुशासन के सूत्र ने इनको नपुंसकलिंग कर दिया। अपथम नपुंसकम अपथम नपुंसकम अपथम प्रथमा के एक वचन नपुंसकम प्रथमा के एक वचन तत्पुरुष इत्येव ये भी तत्पुरुष समास में ही लगेगा। न पंथा इति विग्रह वाक्य में नए समास किया न के नकार का लोप रिक् पूरब्धु पथा मानक्ष है ना अप्रत्यय होता है टी लोप हो गया अपत समासांत प्रत्यय युक्त इन्होंने दिखाया है सूत्रकार स्वयं अपद शब्द को नपुंसकलिंग हो जाएगा परवलिंगता का अपवाद है। अन्यतर तो अपथो देश अपथम नहीं बना देखो यहाँ अपथो देश बौरी है यहाँ पर इसे यहाँ नहीं हुआ न विद्यते पंथा यस्य देशस्य स देश अपथो देश क्या बौरी समास हुआ पथ संख्या भी आदि आगे सूत्र आने वाला है। पथ विभाषा से समासांत विकल्प है पथ संख्या व्याधे से वक्षमाण वार्तिक के द्वारा ये सूत्र वास्तव में गतार्थ कह करके वह यहाँ पर कहा जाता है वार्तिक के द्वारा ही रूप सिद्ध हो जाएगा वो तो और भी ले रहा है ये एक कोई ले रहे अपथम है ना अबे को नई रूपये का अबे को लेकर बताया वो तो सामान्य वार्तिक बना दिया संख्यापूर्वक भी और अबे पूर्वक ही सबको ले लिया उन्होंने पथ संख्या व्याधे है उस वार्तिक के द्वारा अधिक शब्दों को संग्रह किया जा रहा है इसे एक शब्द के लिए बनाना सूत्र का कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे वार्तिक का समर्थन करके सूत्र का प्रत्याख्यान कर दिया गया। कृत समासांत निर्देशात समासांत निर्देश किया इसे यहाँ नहीं होगा अपंथा अपंथा यहाँ नहीं होगा कि समासांत विकल्प है जब समासांत प्रत्यय नहीं हुआ अपथिन ही रहेगा अपथिन रहेगा तो स्वाध्यादित्पत्ति के सारा कार्य थोनते इत्यादि लगेंगे अपंता रूप रहेगा। विकल्प कौन करते समासांत को पथो विभाषा सूत्र से उससे विकल्प होता है। अर्धर्चाह पुंसी च अर्धर्चाह पुंसी च अर्धर्चाह प्रथमक बहुवचन पुंसी सप्तमी के वचन चाप्य अर्धर्चादे शब्द पुंसी क्लीबे चे पूर्व सूत्र से नपुंसकम का अनुवृत्ति है अर्धर्चादे गण में पड़े शब्दों का पुल्लिंग और नपुंसकम दोनों में प्रयोग हो गए अर्धर्ष अर्धर्षम दोनों बना
कुछ लोग यहाँ पर अर्थभेष व्यवस्था देंगे, टीका में आगे विस्तार देखते हैं वहीं पे। इसी प्रकार से ध्वजः ध्वजम्, ध्वजः ध्वजम् एवं तीर्थ शरीर मंड पीयूष देह अंकुश कलश इत्यादि, ये भी साफ इस गणपति शब्द है। इनमें भी सब ऐसे ही विकल्प से पुल्लिंग नपुंसक में प्रयोग हो जाएंगे। यहाँ तक लिंग का विचार है, इसलिए यहाँ तक की टीका देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अहोरात्र प्राचा तो अहोरात्रम उदाहरण, प्राचीन अहोरात्रम करके उदाहरण कर दिया। तन्न इति प्रागे उक्तम, वह उचित रहे, पूर्व में भी हम विचार करके सिद्ध कर चुके हैं। अत्र वदंती रात्रन्न इत्यनेन रात्रादि नाम एव पुंस्तम इति होते, तदंत से तो पर्वलिंगम इत्येव सिद्ध्यति, ये उनका मानना है। रात्रान्न इत्यादि में रात्र शब्दों को पुल्लिंग निविधान कर दिया, और तदंत होने के नाते पर्वलिंग अपने आप समस्त पद विपुलिंग हो जाएगा। अतः भिन्न विषयत्वाद विप्रषेद परम करति न प्रवर्तते, भिन्न विषय को होने से विप्रषेद परम कार्य प्रवृत्त नहीं होगा, अतः वह नपुंसलिंग को बाधेगा नहीं, एक पक्ष नपुंसलिंग भी बन जाएगा। परत्वात आपने का बाधेगा वो नहीं बाधेगा, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। एवं च रात्रान्नायति पुंस्त्व अप्रवृत्त्या समहारे सन्नपुंसकमित्येव भवति, समहारार्थ हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग हो जाएगा। पर्वलिंग अपवादत्वाद इति, क्योंकि पर्वलिंग का अपवाद होने के कारण से ऐसे अत्र केचित वदन्ति तन्न, यह कहना उनका उचित नहीं। उक्तरीत्या द्वेह त्रिहादो अपि नपुंसकत्व प्रसंगात, यही युक्ति के आधार पर हम द्वेह त्रिह में भी नपुंसकलिंग कर सकते हैं। फिर इष्टापति पूर्व पक्षी कहेगा तो न चे इष्टापति, इष्टापति मत गो, द्वेस्त्र प्राचा भी उदाहरण तत्व न, प्राचीन आचार्य ने भी उसको पुलिंग में ही उदाहरण दिया, नपुंसक में नहीं दिया। स्वमूल ग्रंथ से विरोध आपत्ति है, स्वमूल ग्रंथ के साथ ही विरोध होने लग जाएगा। ते तो त्रिंशदहोरात्र इत्यादि कोश विरोधाच, ते तो त्रिंशदहोरात्र कोश का वाक्य है, उस कोश के साथ भी विरोध हो जाएगा, उन्होंने पुलिंग प्रयोग किया। तस्माद रात्रादिंत से ही वही पुस्तविधि, इसे रात्रादि शब्दांत, रात्रादि शब्दांत जो समास है समस्त पद को ही ये क्या करता है, पुलिंग करता है। केवल रात्र को पुलिंग करेगा और रात्र उत्तर पद में आ गया, अतः पर्वलिंगम से पूरा पद भी समस्त भी पुलिंग हो जाएगा, यह कहना उचित नहीं है। द्वंद्व तत्पुरुषयोः इति प्रक्रमणात् तथा च भिन्न विषयत्वाद्य भावात्, द्वंद्व तत्पुरुष करके ही प्रक्रम है, प्रकरण का आरंभ है, इसे भिन्न विषयत्व का आरंभ हो गया। रात्रान्ना इति पुंस्तम समहार नपुंसकत्वम परत्व न बाधते, व रात्रान्ना पुंसी का जो पुंस्त्व है वह समहार नपुंसकत्व को परत्व बाधेगा ही। संख्या पूर्व रात्रम क्लेबम, अत्र च अपत पुण्याहौ नपुंसकौ संख्या पूर्वा रात्रि ही इति लिंगानुशासन सूत्रम मूलम, ये दो लिंगानुशासन सूत्रों को एक बना करके सिद्धांत को अधिकार ने पाठ कर दिया है। संख्या ग्रहणेशो कृत्रिम अकृत्रिम न्यायो न प्रवर्तते, संख्या जागरण किया गया है, कृत्रिम संख्या संज्ञा है ना आपके बहुगण उत्तरती संख्या शांता षट षट संज्ञा भी होता है, इसलिए वो संख्या संज्ञा जिनका षट संज्ञा भी हो जाता है वो कृत्रिम हो गया, और रूढ़ संख्या ही एक दो तीन चार जो हम गिन रहे कह बहु इत्यादि अकृत्रिम है, रूढ़ है। ये दोनों में जहाँ जहाँ संख्या शब्द आता है विधि सूत्रों में वह दोनों को ग्रहण किया जाता है। न्याय नहीं कृत्रिम अकृत्रिम हो, कृत्रिम से भी ग्रहण वो न्याय नहीं लगता। संख्या ग्रहण से कृत्रिम अकृत्रिम न्याय न प्रवर्तते, द्वेष्टना संख्यायाम इति सूत्रे अशीति पुरदासाद इति आयशेन उदाहरति, द्वेष्टना संख्यायाम में अशीति का पुरदास करने से यह आशय का ज्ञापन हो जाता है। द्विरात्रम त्रिरात्रम गणरात्रम से गणाराम बहुरात्रिणाम, गण शब्द का बहु यहाँ पर बहुरात्रिणाम समाहार ये विग्रह वाक्य, अतः गण भी क्या हो गया संख्या संख्या वाला हो गया, बहुगण वो तोड़ती संख्या, बहु के पर्याय वाला गण को वहाँ संख्या संख्या किया आपने, इसलिए गण शब्द भी समूह अर्थ नहीं है किंतु बहुत्वर्थक है, अतएव संख्या संख्या हो गया, संख्या संख्या होने से यहाँ नपुंसकलिंग हो जाएगा।
व्यापतां नपुंसकां तत्पुरुषेत्येवेति द्वंद्वग्रहणंतो नानुवर्तते अयोग्यत्वात्, क्यों योग्य है नहीं। अपतम में हम जो समास ले रहे हैं, नहीं तो जो समास ले रहे हैं, अपन्तायति पथो विपाशयति समासांत विकल्प इदं सूत्रम शक्यम अकर्तुम, इन अपतम नपुंसक सूत्र त्यागा जा सकता है। क्यों? पतः संख्या व्यादेह, संख्या भी ले रहा है और अव्ययों को ले रहा है। अव्यय एक थोड़ी है, अनेक है, उनके अंतर्गत नहीं भी आ गया। सर नहीं पूर्वक भी पथ शब्द ग्रहण हो गया ना, फिर अलग से सूत्र अपथम आरंभ करने क्या जरूरत है। इति वक्षमाण वार्तिकेन गतार्थत्वात् प्रसंगादाह, प्रासंगिक जो है लिंगों का वचन बताने के लिए अर्धरचा भी दिखा दिया कि यद्यपि यहाँ समास से कोई लेन देन नहीं है। अर्धरचादिगण पर जितने भी शब्द असमास वाले शब्दों को भी गिनाया है, उनका भी सब द्विलिंग हो जा रहा है, इसलिए कहते प्रसंगात कह रहे हम समास से कोई लेन देन नहीं है। यह केशांचित अर्थ भेद व्यवस्था इष्ट है, यहाँ कुछ कुछ का तो अर्थ भेद व्यवस्था इष्ट है। साच व्यवस्था मध्य मकरंद माक्षिकाणाम वाची मधु शब्दो द्विलिंग, जैसे देख लो जब मधु शब्द है वो मधु शब्द इन अर्थों में होता है, कौन कौन अर्थ में, मध्य यानी दारू, मकरंद अमृत और शहद माक्षिक बने शहद, ये तीनों अर्थों में हो रहा है। इन तीनों अर्थों में मधु शब्द को द्विलिंग करना इष्ट है, दो लिंग वाला पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों लिंग, मधु मधुनी मधुनी ये नंबर का मधु मधु मधवा भी बन जाएगा। चैत्रादिवाचित और मासवाचक हो जाए, चैत्र मास को बोलते हैं ना मधुमास, यदि मासवाचक हो जाए तब तक केवल पुल्लिंग रहेगा। क्रियावचनस्तु और क्रियावाचक हो जाए मधुशब्द तब विशेष लिंग इत्यम यथायतम जेयाम, तब विशेष के अनुसार उसके लिंग तय होता है। इस प्रकार से लिंग व्यवस्था को अपने आप जहाँ जैसा प्रयोग आए हुए हैं उन प्रयोगों के आधार पर जान लेना चाहिए। अर्धर जा पुंसी चैती स नपुंसकम इत्यन्य और मध्य, इन दोनों के बीच में जात्याख्याम ए पश्चिम बहुजमन तिरसम इत्यादि, जो कि वहाँ एकत्व बहुत का बहुत में एकत्व इत्यादि का विधान किया जा रहा है, वो तो वचनों का विधान है, लिंग विधान तो है नहीं वहाँ, फिर इस बीच में क्यों डाल दिया उसको। यदि चतुसूत्र संग सूत्र असंगति चिंत्या, पाण ने क्यों ऐसा रखा या आज तक कोई विचार कर निर्णय नहीं दे पाए, क्यों किया ऐसे पाण ने, बीच वचन का प्रकरण क्यों घुसा रहे, लिंग प्रकरण समाप्त करती है सब वचन का प्रकरण आरंभ करते। बहूनाम चय वचनम प्रतिपादनम इति व्याख्यानात् फलितो अत्र अतिदेश इति आशयन आह, बहूनाम वचनम प्रतिपादनम इति बहुवचनम, बहुत सारे वचनों का प्रतिपान करने से, इस प्रकार से भी वहाँ बहुवचनम बनने तरह से हम सूत्र है ना अगला सूत्र बहुवचनम, उसकी व्याख्या बहुवचन संज्ञा रूढ़ न करते हुए यौगिक अर्थ भी लेते लोग समाधान निकालने के लिए व्यवस्था देने, बहुनाम वचनम भूतों को कथन करता है, ऐसे प्रतिपान करने के कारण से इसको भी उसके अंतर लिंग के साथ जोड़ दिया। फलित तो अत्र अतिदेश, यहाँ भी अतिदेश फलित हो जाता है, इति आशयः, ऐसे भी आशय का है ऐसे कुछ लोगों का मानना है। आप देखिए मूल में इस बीच में एक अशुद्धि है, यही इसी पन्ने में 122 में दूसरे पंक्ति पाल वर्मा रिकपुर अब्दु इति दिया ना, यहाँ क्या लिखा आगे, हाँ गलत दिया ना, अप्रत्यय होता है, अच्छा नहीं होता है वहाँ पे, अच्छा नहीं होता अप्रत्यय, पथाम अ आन अनक्षय सूत्र है ना, पथाम अनक्षय रिकपुर अब्दु पथाम अनक्षय, पथाम अ अनक्षय अर्थ अक्ष से भिन्न अर्थ में धू शब्द को वाक्यों को अप्रत्यय होता है समासा अंतिम सूत्र का अर्थ होता है, अप्रत्यय करता है अच प्रत्यय तो करता है ही नहीं, तो जो जो छपा गलत है, बाकी कुछ विशेष हो भी नहीं कह रहे हैं ये सब बातें हैं, इसलिए आगे बढ़िए। जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम, जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम,
जात्याख्यायां सप्तमी का एक वचन, एकस्मिन सप्तमी का एक वचन, बहुवचनम प्रथमा के एक वचन, अन्नतरस्यां विभक्ति प्रतिरूपक कव्ये एकोप्यर्थो वा बहुवत भवति। यहाँ पर जात्याख्यायां आख्या ग्रहण करने क्या जातौ इतर एका देते सूत्र जातौ वे कस्मिन जाता वे कस्मिन ऐसा बना सकते थे सूत्र। इन आज्ञा विशेष जान बुझे ग्रहण करें आगे बताएंगे उसको। देखिए एकोपि अर्थो एक अर्थ कथन करना हो तो भी आप उसको बहुवत भवति बहुवचन के समान प्रयोग कर सकते। अहम गच्छामि और अकेला हूँ जाने वाला, इसलिए हम गच्छामि तो ठीक है ना, इन तो भी हम यदि वयम गच्छा में बोलूँगा तो गलत नहीं है। एक कस्मिन अपि बहुवत करना है, बहुवचन प्रयोग कर सकते हैं। और उसे भी कहेंगे द्विवचन भी प्रयोग हो सकता है, हाँ कहेंगे देखो क्योंकि आगे सूत्र आ रहा है ब्राह्मण पूज्य ब्राह्मण पूज्य ये दृष्टान्त ब्राह्मण पूज्य और ब्राह्मण पूज्य एक पद में भी बहुवत प्रयोग कर दिया। अस्मदो द्वयोश्च अस्मदो द्वयोश्च अस्मदा पंचमी उससे एक पद में भी एकस्मिन अर्थ होने पर भी द्वयोश्च बहुवत भी होगा। एकत्वे द्वितीय च विवक्षित है अस्मदो बहुवचन वास्यात् एकत्व वक्षित हो तो भी बहुवचन प्रयोग हो जाएगा, द्वितीय वक्षित हो दो हम जाने वाले हैं तो भी आप बहुवचन बोल सकते हैं, एक जाने वाला होगा तो भी बहुवचन हो सकता है, दो होंगे तो भी बहुवचन प्रयोग हो सकता है। वयम ब्रूमः देखो वयम ब्रूमः बहुवचन हो गया, पक्ष में अहम ब्रवीमि भी हो जाएगा एक हो तो, दो लोग हो तो आवाम ब्रूवः ये भी प्रयोग हो जाएगा। अहम ब्रवीमि वयम ब्रूम अथवा आवाम ब्रूव वयम ब्रूम ये प्रयोग हो जाएंगे। एकस्मिन् अपि बहुत्ववत् द्वयोरपि बहुत्ववत् और बहुत है तो बहुत वन होना ही है, बहुवचन में तो कहने की जरूरत ही नहीं, एक को दो नहीं करना, एक हो तो विकल्प से बहुत्व, दो हो तो विकल्प से बहुत्व ये कहेंगे। लेकिन सविशेषण होगा तो वार्तिककार निषेध कर देते हैं, वार्तिककार सविशेषण तो नहीं करना भाई, सविशेषणस्य प्रतिषेधः सविशेषणस्य प्रतिषेधः जैसे पटु रहम ब्रवीमि आम का विशेषण कौन है पटु, तब बहुवचन नहीं होगा विकल्प से, नहीं तो वहाँ बहुवचन करना पड़ेगा ना, पटवः वयम पटवः वयम ब्रूमः उसको भी बहुवचन करना पड़ जाता विशेषण को भी, उसको ऐसे निषेध कर दे ऐसे नहीं कर सकते आप, इसलिए अहम अकेला हो तो कर सकते हैं, विशेषण से जुड़ गया तो नहीं हो सकता। फल्गुनी प्रोष्ठ पदाभ्याम च नक्षत्रे फल्गुनी पृष्ठ पदानां च नक्षत्रे फल्गुनी पृष्ठ पदानां षष्ठी बहुवचन च पे नक्षत्रे सप्तमी का एक वचन द्वितीय बहुत प्रयुक्तम कार्यम वास्यात् ये हैं जोड़े जोड़े उत्तरा फाल्गुनी पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा भाद्रपदा पूर्वा भाद्रपदा इधर से उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा ये जोड़े दो 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 होते हैं फाल्गुनी आषाढ़ा और पदा भाद्रपदा ये सब दो हैं पूर्वा भाद्रपदा उत्तरा भाद्रपदा उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा इस कार्य से पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी इसे पृष्ठपद में वही भाद्रपद पृष्ठपद कहते हैं। द्वितीय बहुत प्रयुक्तम कार्यम वास्यात् पूर्वे फल्गुण्यौ पूर्वाः फल्गुण्यः पूर्वे पृष्ठपदे पूर्वाः पृष्ठपदाः नक्षत्र गेम नक्षत्रवाच्य क्यों कहते हो उस नक्षत्र पद वो बच्चा लोगे तो नहीं होगा, फल्गुणी नक्षत्र का नाम से नक्षत्र का नाम बोल रही हो लेकिन उसे लक्षित कौन है बालक, उस नक्षत्र काल में जो पैदा हुआ बालक हो उसको फल्गुणी आप कह दोगे तब वहाँ नहीं होगा ये सूत्र,
और एक हो तो एक ही चलेगा, भवध्वनि होगा विकल्प। नक्षत्र केम फलगुण्यौ मांडविके, जो दो बच्चे जोड़वे पैदा हो गए और दोनों जो है फलगुणी नक्षत्र में पैदा हो गए, उस स्थिति में नक्षत्र नियुक्त काल सूत्र है उसे प्रत्यय हुआ और वह नक्षत्र नियुक्त काल प्रत्यय को लुप अविशेष के द्वारा लुप हो जाता है, बचता वही प्रकृति फलगुणी, लेकिन अर्थ क्या हो जाता है बच्चे वो दोनों जो पैदा हुए। पुष्य पुनर्वसोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचन से द्विवचनम नित्याम, तिष्य पुनर्वसोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचन से द्विवचनम नित्याम, बहुत्व है बहुवचन है लेकिन द्वित्ववद् भवति, बहुत को भी उल्टा कर दिया, पहले एक को बहुत विकल्प कर रहे थे, दो को बहुत विकल्प किया, अब बहुत को द्वित विकल्प कर दिया, द्वित्ववद् भवति। तिष्यश्च पुनर्वसु च इति तिष्य पुनर्वसु, द्वित्ववद् हो गया, तिष्यति किम विशाखानुराधाः, देखो बहुवचन ही रहेगा, वो द्वित्ववद् नहीं हुआ, विशाखा अनुराधा बहुवचन प्रयोग हो गया। कुछ लोगों ने पाठ किया अनुराधा इति क्वचित पाठ, एक नंबर टिप्पणी नीचे, एक वत भाव विकल्प कर दिया उल्टा। नक्षत्र यदि किम तिष्य पुनर्वसवो मानव का, तिष्य नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुए जो बच्चे वसव अलग हो जाओ, है ना, पाठशाला में घोषणा कर दिया अध्यापक ने, जो बच्चे तीसरे नक्षत्र में पैदा हुए और पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुए वो अलग हो जाओ, तुम लोगों पर आज ग्रहण है, ज़्यादा प्रकोप होने वाला है, नहीं अलग बैठो जब करो तो अलग कराया जाता है, पहले ज़माने में ऐसा होता था, आजकल तो कौन देखता है, सब कुछ देखता है, किस राशि पर ग्रहण का असर होगा, किस नक्षत्र पर ग्रहण का असर होगा, सब देखा जाता था, और उस नक्षत्र उस राशि वालों को बोलते थे अलग हो जाओ भाई, तुम्हारे से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तुम लोग सब इकट्ठा हो जाओ, एक कमरे बैठ जाओ, जपना शुरू कर दो कि तुम पर असर ना करें, बचो। नक्षत्र यदि तुष्य पुनर्वसवो मानव का सा नपुंसकम, सा नपुंसकम, यदि भी पूर्व सूत्र लेकिन पढ़ाया जा रहा है बाद में 2417, इससे पहले जितने भी आपने पढ़े हैं ना 2429, देखो रात्र नपुंसी जिसको अपवाद माना था ना, इसको प्रत्यवाद बाधेगा, 2429 का और 2417 का, यहाँ पर क्रम से अलग क्रम से रख दिया गया, अष्टाध्याय क्रम तो अलग है, ये तो प्रक्रिया के अनुसार रख दिया इन्होंने। समाहारे द्विगुर द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्, समाहार अर्थ में किया गया जो द्विगु समास और द्वंद्व समास, ये दोनों नपुंसक लिंग हो जाएगा, तो बीच में ये चार सूत्र थे, कौन चार थे, 58, 59, 60, 61, 62 कहाँ गया पता नहीं, 63, ये सब वचन व्यत्यास वाले हैं ना, ये 1, 2, 3, 4, यहाँ तो चार सूत्र दे दिए हैं, 61 और 62, ये दोनों किस चीज़ के थे, हाँ वेद का था ना, इसलिए उसको हटाया यहाँ से, वैदिक प्रयोग है छंदसी, वो दोनों वही है, योश्चक का थे ना, वो भी छंदसी में लागू होनी है, इसे इन दोनों यहाँ से हटा दिया, वैदिक प्रक्रिया में ले गए उसको, नहीं तो क्रम में वो भी आ जाते हैं ना यहाँ पर। पंचगवम यह कहते पर्वलिंग अपवाद, यह पर्वलिंग तक अपवाद करते हैं सना पुष्कम, पंचगवम दंतोष्ठम इत्यादि रूप बन जाते हैं। अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम इष्टः, अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम इष्टः, अकारांत उत्तर पद में आओ, ऐसा जो द्विगु समास है तो उसको स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करना इष्ट है, इसलिए पहले जो दिया अकारांत उत्तर पद वाला नहीं था, पंचगो द्विगु समास है ना, पंचगो पंचाम गवानाम समार है, पंचगो है, अकारांत नहीं था, और ये अकारांत दृष्टांत देंगे, अब देखो पंचानाम मूलानाम समार, पंचमूल अकारांत पद द्विगु समास है, स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होगा,
श्रीमद् व्योह सूत्र गिव कर देगा। तो पंचमूली इर्बत आबंतो वा आबंत जो है प्रकृति था, लेकिन समास होने के बाद में गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व हो गया, अकारांत उत्तर पद हो गया है, युग समास है, स्त्री में इष्ट है। तो वहाँ भी इसने कहा पूर्व जो स्थिति थी उसकी आबंतत्व उसको देखते उसको विकल्प से स्त्रीलिंग कर देना। आबंतो वा पंचखट्वम पंचखट्वी पंचानाम खट्वानाम समाहार पंचानाम खट्वानाम समाहार तैतार्थोत्तर पद समाहारे च युग समास हुआ समाहार अर्थ में। तो पंचखट्वा गोस्त्री रूप से ह्रस्व हो गया, पंचखट्व अकारांतर उत्तर पद से युग समास स्त्रीलिंग में होना था नित्य, उसको स्त्रीत्व कक्षा होनी चाहिए विद नित्य, इसने कर दिया विकल्प। इसलिए पंचखट्वम एक पक्ष में नपुंसकलिंग, एक पक्ष स्त्रीत्व में पंचखट्वी, नित्य स्त्रीलिंग नहीं हुआ विकल्प स्त्रीलिंग हो गया। स्त्रीत्व पक्ष में गीप हुआ स्त्रीत्व भाव नपुंसकलिंग है अवर्णांत होने से पंचखट्वम अतोम सूत्र लग जाता ना अनो नलोपश्च वाच द्विगु स्त्रियाम अनो नलोपश्च वाच द्विगु स्त्रियाम अनो नलोपश्च अन के नकार का लोप होगा वो तो नित्य हो जाएगा, लेकिन स्त्रित्व जो होगा उसके द्विगु समास का वो विकल्प से होगा। वाच द्विगु वो जो द्विगु समास है विकल्प से स्त्रित्व में प्रयोग करना है। पंच तक्षी पंचानाम तक्षाणाम समाहार पांच बढ़ाइयों का समूह सुथार लोग इकट्ठे हो गए पांच पंचानाम तक्षाणाम तक्ष माने सुथार अथवा बढ़ई बोलते हिंदी वाले यहाँ पंच तक्षी पंच तक्षा से विकल्प से स्त्रीलिंग हो गया। नकार लोप से नित्य हो गया पंच तक्षा अदंत बन गया इसलिए और स्त्रित्व होने पर गीप के पंचतक्षी नहीं हुआ तो पंचतक्षम नपुंसकलिंग समारोहण के नाते पहले यहाँ तक की देख लीजिए ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। ये कौप्यर्थो वा भवदिति एवंच विशेषणादपि सिद्धम इति ध्वनियन उदाहरति इसे विशेषणों से भी ऐसे ही हो जाएगा इसको ध्वनित करता होगा ब्राह्मणा पूज्या इति जात्याख्यान किम देवदत्तो यज्ञ नाम में नहीं होगा जातिवाचक होनी चाहिए नाम वाचक हो तो नहीं होगा इसलिए आख्या ग्रहण किया। एकस्मिन किम व्रीहिय वो द्वित्व उपेक्षा होने पर वह बहुत विकल्प नहीं करना अस्मदो द्वयोश्च लेकिन अस्मद शब्द हो जाएगा चार एकस्मिन भोजन माने तिरस्याम इस पूर्व का सूत्र का अनुवृत्ति है इति अनुवर्तते तदेव आह एकत्व द्वितीय विवक्षित इत्यादि फलगुणी पृष्ठ प्रदानांच चकारण द्वयोर अनुकर्षणात् आह द्वित्वेति चकार से केवल द्वयो का अनुवृत्ति आएगा एकस्मिन का अनुवृत्ति रुक जाता है। फलोणी शब्दात नक्षण काल इत्यार्थ तसे लुप विशेष इति लुप ततो जातार्थे फलगुण्य अषाढ़ाभ्याम टाणो इतिट्टा इत्वात् गीप नचायम गौण यौगिकत्वात् यदि यौगिक अर्थ हो गया गौण हो गया ऐसा मत कहो तथा च गौण मुक्ति न्याय प्रवृत्तिया नक्षत्रगणम आवश्यकम इति भाव इसलिए गौण मुक्ति न्याय प्रवृत्ति न होवे यही बात को ज्ञापन करने के लिए सूत्र में नक्षत्र ग्रहण किया गया है। तिश पुनर्वस्व विशाखानुराधा इति विशाखे च अनुराधाश्च इति विग्रह देखो विशाखे च अनुराधाश्च तभी तो बहुत आएगा ना दो नहीं है विशाखे बोलने से दो नक्षत्र आ गया मैंने विशाखा और उसके पूर्ववर्ती नक्षत्र को ले लेना एवं से अनुराधा मैंने अनुराधा और उसके आगे के दो नक्षत्र ले लेना तो पांच नक्षत्र को बता रहे हैं दो के द्वारा तो वहाँ भी बहुत प्राप्त था। तिश पुनर्वस वही थी तिश पुनर्वसु शब्दाभ्याम पूर्वद नक्षत्र तक काल इत्याण लुभ विशेष से लुप तथो जातार्थे संधि वेल इत्यादि सूत्रेण आण तस् तो श्रविष्टा फलगुण्य अनुराधा इत्यादि लुक हो गया पहला अण भी लुक हुआ दूसरा अण भी लुक हो गया। नक्षत्र इतने वर्तमान पुनर्नक्षत्र ग्रहण पूर्व सूत्र में नक्षत्र था उसी को अनुवृत्ति कर ही रहे थे फिर यह नक्षत्र तुम भी क्यों कह रहे हो आप दोबारा नक्षत्र क्यों ग्रहण किया पुनर्जो नक्षत्र ग्रहण किया उसका लाभ बता रहे हैं पर्यायाणम अपि यथा स्याद इत्येतदर्थम इत्याकार पर्याय वाले जो हैं
एक ही नक्षत्र का अनेक शब्द प्रयोग होते हैं ना, जैसे प्रष्ट पद भाद्र पद पर्यायवाची है, उनका भी मिलकर समास करो तो भी लागू होगा सूत्र। यथास्यादितेतदर्थम इति आकरः एवं चिश्रे देखो सिद्ध्य पुनर्वसु, जो तिष्य का पर्यायवाची है सिद्ध्य, तिष्य का पर्यायवाची है सिद्ध्य, उसको लेकर के भी आप समास करोगे तो भी सूत्र लागू हो जाएगा। इति देख बहुवचन से किम इदम तिष्य पुनर्वसो, ये एक वचन है, समार द्वंद करके एकवत भाव कर दिया आपने, इसलिए इदम दिखा दे ना, इदम इदम मैंने एक वचन के लिए संकेत करने के लिए। इति चार्त्य द्वंद्व इति समार द्वंद्व अयम, चार्त्य से यहाँ समार द्वंद्व हो रखा है। सन अपुंसकम अनंतर से विदर्भति न्यायोत्तर नाश्रियते तथात्य दुग संग्रह न से इतिहाशय ना, नहीं तो फिर दुग संग्रह नहीं हो पाएगा, इसलिए कहा दुगुर्द्वंद्वश्चैति अद्रव्याचक्षते। प्रकरणादेव अनुवाद्य लाभ है सग्रहणम एतत् प्रकरण अनुपात्तस्यापि समहार द्वंद्वस्य संग्रहार्थम। किसने कहा प्रकरण से जो जो अनुवाद्य वो सब अपने आप लाभ हो ही रहा था, तो सूत्र में ग्रहण करने की जरूरत नहीं थी, नपुंसक हम इतने सूत्र बनाते। लेकिन एतत् प्रकरण में जो अग्रहित अनुपात माने अग्रहित को भी ग्रहण करना है, इसके लिए जान के सब कह दिया, वो भी वो मैंने क्या जो प्रकरण में नहीं है वो भी ले लेना, जो प्रकरण में ये तो आ ही जाएंगे और जो प्रकरण में नहीं है वो भी ले लो। प्रकरण में कौन था आपका द्वंद्व समास है और प्रकरण में कौन नहीं है द्विगु नहीं है, उसको पकड़ के लाया। इस तरह से दोनों को पकड़ने का बिना स कहे नहीं हो रहा था, इसे स कहना पड़ा। तेन संज्ञा परिभाषा इत्यादि सिद्धांत, इसीलिए संज्ञा च परिभाषा चीति संज्ञा परिभाषम। देखो ये क्या है द्वंद्व समास है, ये द्वंद्व समास में भी सूत्र लग गया, नपुंसकलिंग हो गया। पंचगवमिति तदितार्थ इत्यादि ना समाहार में द्विगु समास हो गया। दंतोष्टमिति द्वंद्वश्च प्राणित्वसेनांगानां इत्यादि के द्वारा समाहार द्वंद्व हो गया। पंचकट्टम नपुंसकलिंग होकर रस हो गया है। पंचानाम खट्वानाम समाहार थे पंचकट्वा, नपुंसकलिंग हो सनपुंसकम, नपुंसकों ने कैसे रस रस नपुं क्या है वह सूत्र रसो नपुंसके प्रातिपदिक ये सूत्र उससे हो जाएगा। पंचकट्वी उपसर्जन रसवत्व सती अदंत तत्वात् द्विगुत स्त्रित्व पक्षे गीप का रूप है। अनोनलोपश्चैति उत्तर पदत्व या उर पदत्व हो गया है, दो तकार नहीं है यहाँ। उत्तर पदत्व च अपदादिविधौ अपदविधौ इति प्रत्यलक्षण प्रतिषेधात् अप्राप्तो नलोप इति भाव। उत्तर पदत्व च अपदादिविधौ अपदा अपदविधौ लिख दिया, ये भी गड़बड़ अदर अदर छप है। उत्तर पदत्व च पदादिविधौ इति प्रत्यलक्षण प्रतिषेधात् प्रत्यलोप प्रतिलक्षण का निषेध कर दिया, इसे अप्राप्त तनकार लोप इति भाव, इसलिए विधान कर दिया। यह वा शब्द स्त्रियामित्यनि संबंध, वा शब्द न लोप को विकल्प नहीं कर देना कि स्त्रित्व को विकल्प न तो पूर्वेण तेरे नित्यो न लोप इत्याह पंचतक्ष इत्यादि।